सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी कवरेज। यूपी में दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 20 जनवरी से शुरू हुए थे दूसरे चरण के नामांकन, दूसरे चरण के लिए 15 फरवरी को होगा मतदान। दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज पहले चरण के नामांकन की वापसी का भी आखिरी दिन है। पार्टियों के पास बागियों को मनाने का भी आखिरी मौका है। तो सबसे बड़ा चुनाव और इसकी सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समाचार प्लस पर। दूसरे चरण के लिए आज नामांकन है। दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी 15 फरवरी को। आज पहले चरण के नामांकन वापसी का भी दिन है। तो पार्टियों के पास बागियों को मनाने का आखिरी मौका है। 17 जनवरी से शुरू हुआ था पहले चरण का नामांकन। पहले चरण में 11 फरवरी को वोटिंग होगी। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज 3 बजे तक ही नामांकन पर्चा भर सकेंगे प्रत्याशी। आज कई बागी नेता भी कर सकते हैं नामांकन। 70 सीटों के लिए 30 जनवरी से शुरू हुए थे नामांकन। 30 आपको बता दें 30 जनवरी को नामांकन वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। उत्तराखंड में 15 फरवरी को होगा मतदान। सभी 13 जिलों की 70 सीटों के लिए मतदान होगा। 11 मार्च को प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं देहरादून से हमारे साथ सुदीप जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकेत, आपके पास क्या कुछ वहां से पता चल पा रहा है? अगर बात की जाए प्रथम चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन भी है। प्रथम चरण की बात की जाए तो ये आखिरी मौका होगा दलों के पास, जो लोग उनसे नाराज हैं, उनको वापसी लाने के लिए। बिल्कुल, देखिए जो दूसरे चरण का नामांकन है उसका भी आज आखिरी दिन है। 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पे नामांकन होना है। इसमें 6 जिले ऐसे हैं, ये जो दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया है, और उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया होगी इसमें मुस्लिम राजनीति पूरी तरह से हावी रहेगी, क्योंकि जो 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 6 जिले ऐसे हैं जो 40% से ज्यादा, जिन जिलों में, इन 6 जिलों में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। उसमें 34 सीटें इन 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों में 34 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। और वहीं रामपुर जैसा जो जिला है, जहां आजम खां, कमाल अख्तर, अमरोहा, वहां भी आज रामपुर और अमरोहा, इन जगहों पे भी आज नामांकन के आखिरी दिन है दूसरे चरण का। तो इन नेताओं का, इन मंत्रियों का भी अपना अस्तित्व बचाए रखने की एक चुनौती होगी कि किस तरह से वो अपना अस्तित्व बरकरार रखें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इमरान मसूद हैं, और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं जितिन प्रसाद, वो भी तिलार से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान मसूद भी चुनाव लड़ रहे हैं, आज नामांकन भी कर रहे हैं जितिन प्रसाद। इन लोगों के, कांग्रेस की तरफ से इन दोनों का अपना अस्तित्व बरकरार रखने की कोशिश रहेगी, चुनौती है इनके सामने। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरे चरण का मतदान नामांकन प्रक्रिया होगी, मिलाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णा राज, हम देहरादून की ओर कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदीप भी है। सुदीप, यहाँ आज पूरे दिन क्या गहमा गहमी देखने को मिलेगी? जी देखिए, गायत्री प्रदेश में जो पिछला जो बीता दिन गया, यानी कल अवकाश था, 25 जनवरी तक कुल 414 नामांकन हो चुके हैं 70 विधानसभा सीटों पे। औसत देखें तो करीब 6 नामांकन हर सीट का औसत है। आज नामांकन का अंतिम दिन है, माना यह जा रहा है बागी, नाराज या ऐसे कार्यकर्ता जो अनदेखी, उपेक्षा महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद पार्टी आला कमान से उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं मना पाए, वो भी नामांकन कर सकते हैं। और जहां तक स्क्रूटनी की बात है तो कल छोड़ परसों स्क्रूटनी होगी और इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर मैदान में कौन डटेगा और कौन किसका मुकाबला किस पार्टी और किस प्रत्याशी होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। संकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।